रुतबा हो तो ऐसा हो, ठसक हो तो ऐसी हो, रईसी हो तो ऐसी हो। इस वीडियो को देखने के बाद दिमाग में यही ख्याल आते हैं। छोटे सरकार के पिछले दो दिनों से ये वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद निशाने पर हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। खुली जीप, बारिश का मौसम, आगे पीछे एस्कॉर्ट करती पुलिस की गाड़ियां और खाली सड़क। वाकई दबंगई और रुतबा तो इसी को कहते हैं। रियल में कुछ हो ना हो, पर रील में भौकाल तो काटना ही है कि चार लोग देखें तो कहें कि भैया जिंदगी हो तो ऐसी हो। और ऐसी ही जिंदगी जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो सवाल उठते हैं। सवालों के घेरों में इस बार फंसे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। सोशल मीडिया पर राय देने वाले कुछ बुद्धिजीवी प्रेमचंद बैरवा को विलेन बनाने पर तुले हुए हैं। कोई इसमें जाति ढूंढ लाया तो कोई इसमें राजनीति। अब बेटे की मस्ती पर प्रेमचंद बैरवा ने क्या कहा, इसे सुनना चाहिए। और क्या प्रेमचंद बैरवा और उनके सुपुत्र की गलती है, इसे समझने के लिए आपको कार्तिकेय भारद्वाज की प्रोफाइल और ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। कांग्रेस के नेता आप पर निशाना साध रहे हैं कि आपके बेटे किस तरह से पुलिस एक्सपर्ट हुए। देखिए, ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशान नहीं दे। इस बयान के सामने आने के बाद भी लोग नहीं माने। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि डिप्टी सीएम का बेटा कानून को ठेंगा दिखा रहा है और पुलिस उसे एस्कॉर्ट कर रही है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उस वीडियो में डिप्टी सीएम के बेटे खुली जीप में बैठे हैं, पर इस वीडियो में डिप्टी सीएम के बेटे आशु बैरवा के साथ कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा भी नजर आ रहा है। दोनों लड़कों के पिता भले ही अलग अलग राजनीतिक दल में हों, लेकिन दोनों के बेटे पक्के दोस्त हैं। क्योंकि आशु बैरवा डिप्टी सीएम का लड़का है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस की ड्यूटी है। आशु जहां कहीं भी जाते हैं तो पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करती है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जहां अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में वो विपक्ष के निशाने पर जल्दी आ गए। वहीं अगर बात की जाए पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिक भारद्वाज की, तो सवाल आपको कांग्रेस से पूछने चाहिए। इसकी वजह है ये रील जहां वो नई गाड़ी लेने जाते हैं। अच्छी बात है, पर इसके पीछे नीली बत्ती किसकी है? सवाल इसलिए क्योंकि सांगानेर से तो भजनलाल शर्मा जीते हैं, ऐसे में ना तो पुष्पेंद्र भारद्वाज विधायक हैं ना ही सांसद, फिर बेटे के लिए नीली बत्ती किसकी? हर एक वीडियो में कार्तिक ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी तो फिर चालान क्यों नहीं हुआ? साहबजादे 20 सड़क पर स्टंट को प्रमोट कर रहे हैं, पर इस पर सब चुप क्यों है? सवाल तो आखिर यहाँ बनता है। वैसे आपको बता दें कि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने चुनाव में जो हलफनामा दिया था, उससे पता चलता है कि उनके पास कुल संपत्ति 95.53 लाख रुपए की है। इसमें 1.5 लाख रुपए की नकद है, जबकि 60 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। बाकी उनकी पत्नी कल्पना भारद्वाज की संपत्ति 1.01 करोड़ रुपए है, यानी पत्नी के पास करीब 4.5 लाख रुपए की संपत्ति ज्यादा है। तो क्या पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था सब रईस जादों के आगे नतमस्तक है? खैर, आपको कार्तिकेय के ये विचार भी सुनने चाहिए। लेकिन मैं जो अभी किसी पार्टी के साथ में थोड़ी हूँ पापा, आप पार्टी के अंदर, मैं नहीं हूँ। तो मैं तो देखो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि जो भी आदमी गलत करेगा, देखो उसके साथ में गलत होना भी चाहिए। तो खुद ही जनाब कह चुके हैं कि जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत होना चाहिए। पर क्या इतने रूल तोड़ने के बाद भी साहबजादे पर एक्शन होगा? सवाल गंभीर है। इस पूरे मामले में पुष्पेंद्र भारद्वाज का भी जवाब आ चुका है, पर वहीं लोगों के बार बार टारगेट करने के बाद प्रेमचंद बैरवा को ये कहना ही पड़ा। मैं यही कह रहा हूँ, उसके बच्चे यार दोस्त थे और हमेशा ही साथ पढ़ते थे, मेरे घर पे भी ये बच्चे आते जाते थे पहले भी। तो उन बच्चों के साथ अगर वो उनकी गाड़ी में बैठ गया है, उनकी गाड़ी चला ली है, और वो रील भी इन लोगों ने, बच्चों ने बना ली, अब बच्चे हैं, अब ये तो कर ही सकते हैं साहब। लेकिन फिर भी मैंने बच्चे को आइंदा से ऐसा हरकत नहीं करे जिससे कि हमारी पार्टी को और हमारे राजस्थान में कोई मेरी वजह से कोई इफेक्ट पड़े। लेकिन कांग्रेस वाले जो भी सोशल मीडिया पे चलाए, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह का
कोई गलत कार्य वो नहीं कर रहा था, और जो भी करता है मैं मेरे परिवार को समय भी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं आमजन पूरे राजस्थान में चलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं परिवार को समय नहीं दिया और पीछे से बच्चा उन बच्चों के साथ, उसके दोस्तों के साथ चला गया। खैर, डिप्टी सीएम अपने बच्चों को समझा चुके हैं, ऐसे में राजनीतिक द्वेष के कारण प्रेमचंद बैरवा और आशु बैरवा पर ये दबाव बनाना कितना उचित है आप कमेंट करके बताइए।